हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस व्लॉग में मैं आपको ले जा रहा हूँ जापान का क्रिकेट मैच दिखाने। तो दूर जाना है हमें, यहाँ से सानो करके ग्राउंड है, काफ़ी दूर है, वहाँ जाना है। 6:10 पे हम निकलेंगे यहाँ से, 6:30 में हमें मुसाशी कोसुकी पहुँचना है। तो आपको ले चलते हैं और आपको आज जापान का क्रिकेट मैच दिखाते हैं, ठीक है? चलो, तो पहुँच गए हम स्टेशन। दोस्तों यकीन नहीं करोगे, 6:15 हो रहा है, इतनी तेज़ धूप आ रही है ना भाई, लैंड ऑफ राइजिंग सन है इसीलिए। जब हम पहुंच गए हैं यहाँ जो बोलते हैं सर्विस एरिया, ब्रेक एरिया, तो अब हम पार्किंग साइड जा रहे हैं। देखो, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वगैरह लेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा दूर रहा नहीं है, पहुँच जाएंगे आधे घंटे में। इसके बाद मेरा पार्किंग एरिया, तो यहाँ भी बहुत बाइकर्स आते हैं देखो, तो सैटरडे राइड्स के लिए। तो कॉम्बिनेशन से सबने ब्रेकफास्ट लंच ले लिया है। एक्चुअली क्या होता है, मैच के बीच में मतलब आपको खुद ही सारे अरेंजमेंट करके जाना होता है अपने मील्स का, वहाँ मिलता नहीं है कुछ। और बहुत गर्मी है आज, हालत ख़राब होने वाली है, तो सब लोग अब बैठेगा। तो वो बैठ गए अपनी एक BMW में, और बाकी अल्फर्ड और एक ये वाली गाड़ी जो उस पर ली हमने रेंट पर। अब जाएँगे वापस, मतलब ग्राउंड की तरफ चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पहुँच गए हम ग्राउंड में, और देखो ड्रेस भी चेंज कर लिया है, ये मतलब अपनी टीम ड्रेस है ये, KKR कावासाकी नाइट राइडर्स की। तो अब आपको देखो टीम तैयार हो रही है, यहाँ पे सब रेडी हो रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है। तो अब आपको चलो मैं क्रिकेट ग्राउंड दिखाता हूँ, उसके बाद मैच शुरू होगा 11 बजे। जापान का भी है 1 घंटा पूरा। सो होस्ट टीम जो है वो ग्राउंड सेटअप करती है, और जो गेस्ट टीम है वो बाद में ग्राउंड जो सेटअप ग्राउंड है उसको फिर अरेंज करती है लास्ट में जब मैच खत्म होता है। तो दोनों टीम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलो आपको ग्राउंड दिखाता हूँ, आ जाओ। मे बी बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा हो इसमें वीडियो में, बट एक्चुअली बहुत बड़ा ग्राउंड है नहीं ये, विद रिस्पेक्ट टू लेदर बॉल। आप इस पर टेनिस बॉल से बड़े आराम से खेल सकते हो। अब आपको पिच दिखाता हूँ। सो ये है पिच, ये थोड़ी डिफरेंट होती है जो इंडिया में जो मैट होता है ना, उससे डिफरेंट मैट होता है ये। तो इसके पीछे एक रिवर है, वहाँ पे लोग अभी यहाँ पे जा भी रहे हैं। देखो तो कायाकिंग करने के लिए लोग जा रहे हैं यहाँ पे, तो हालांकि नहाना वगैरह मना है, बट जैसे कायाकिंग ये सब के लिए लोग जा रहे हैं, जा सकते हैं, तो वही लोग यहाँ पे वीकेंड में करने आ रहे हैं, आते हैं यहाँ पे यूजुअली। दिखा दो, तो देखो ये 3 लोग जा रहे हैं अपनी कायाक लेके। तो टॉस के लिए जा रहे हैं दोनों कैप्टन, ये देखो ओ चले गए। तो हम लोगों की बैटिंग आई है, टॉस जीते हैं, नहीं पता नहीं चला अभी तक, सीक्रेट है अभी। आर एक गहमा गहमी दोनों बैट्समैन और दोनों कैप्टन के बीच। बॉलिंग टीम इज रेडी, और हमारे बैट्समैन भी दोनों रेडी हैं एकदम तैयार जाने के लिए। बैटिंग टीम गई अपना, सॉरी फील्डिंग टीम गई अपना सेटअप करने। यस, अच्छे से बैटिंग करना, मस्त 40 ओवर्स। फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच, शॉट है यार, क्या शाबाश लड़के, ये सेला पहली बॉल पे चौक। रॉन्ग डिसीजन बाय द अंपायर, फ्लिक बैट से था बट आउट दे दिया। सो बैड लक फॉर द बैटिंग टीम। एक और गलत डिसीजन, एक और गलत डिसीजन, और आउट दिया, एज था बैट का। सही है सर, शॉट, बहुत बढ़िया। अभी स्कोर हो गए हैं 137 23 ओवर में, 99 नॉट आउट रन एंड 100 अप। शॉट है,
गुड इनिंग्स बाय मिस्टर तेज, सुपर इनिंग्स। रमन इज आउट आफ्टर द सुपर इनिंग ऑफ कितना 152। बहुत ही बढ़िया रमन साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो टोटल हमने किया है 341 और सामने वाली टीम को मिला है टारगेट 342 का, द राइजिंग स्टार। बस अब सेकेंड इनिंग स्टार्ट होने वाली है, लेट्स सी हाउ मच दे चेज द स्कोर। तो मैच इंटरेस्टिंग होगा मोस्ट लाइकली। Please follow this guy. He's a great guy. And he's a great fastest bowler of Japan. Please follow him. He's a great guy. Bullet train of our team. Second inning is about to start. So fielders are set. Batsmen are going in. So दोस्तों, we have won the match with a huge margin. 109 पे हमने opponent को all out कर दिया और जिससे एक bonus point नहीं मिला है। अब हमने सारा सामान पैक करके अब जाने की तैयारी हुई। देखो देखो, सारी पैकिंग डन, गाड़ियाँ भी रेडी, बस ये सामान रख के अब हम जाएंगे अपना जहाँ हमने स्टे करना है। सब थक गए। सो दोस्तों, हम यहाँ पहुँचे हैं शेयर मतलब गेस्ट हाउस में, और बहुत ही पुराना, और कहते हैं कि गेस्ट हाउस थोड़ा सा हॉन्टेड हॉन्टेड है। तो हैं हवा चलती है, तो लेट्स सी इस गेस्ट हाउस में आज रहते हैं, रात बीतेगी यहाँ पे, पार्टी शार्टी होगी और कल मैच खेलेंगे। ये रहा ओ वेंटा है, पूरा पुराना, बिल्कुल प्योर जैपनीज घर है, पुराना खतरनाक। ओ गुड गुड, ये क्या लिखा है भाई, हिंदो। राजकुमार राव हेलो फ्रेंड्स, वो सॉरी होम टूर तो नहीं करा पाया, बट आपको एक घर बाहर से दिखाते क्योंकि हम बड़े मैच के लिए लेट, आपको घर दिखाते। ये देखिए कितना बड़ा घर है, ये एक्चुअली निंजा हाउस है जैसा मुझे पता चला। इसके अंदर बहुत सीक्रेट रास्ते हैं, इसके अंदर पैसेजेस। तो ये देखो पूरा बंद है, हालांकि पूरा वुड से बना हुआ है, पूरा वुड से बना हुआ है, लेकिन बड़ा बढ़िया घर है। मतलब अनफॉर्चुनेटली पूरा इसको कवर नहीं कर पाया, घूम नहीं पाया अंदर, मे बी नेक्स्ट टाइम। रेन हैज स्टॉप्ड द प्ले, हैवी क्लाउड्स, इट वोंट स्टॉप फॉर अनदर आवर और सो। सो मैच अब स्टार्ट होगा मे बी आफ्टर एन आवर।